समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने आज सोमवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार आज सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में सत्ताधारी नेताओं द्वारा घोर अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाया। कहा, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में सही लोगों के वोट नहीं बनाए जा रहे हैं। बरखेड़ा और उसवाल चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, जबकि शासन के आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाए, लेकिन कोई भी मिल सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने तत्काल गन्ना किसानों का भुगतान कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीद केंद्रों पर धान तौले जाने के साथ ही धान का जल्द भुगतान कराए जाने और थानों व तहसील में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। किस मामले को लेकर दिया है? नवाबगंज की कई गंभीर समस्याएं थी। सबसे पहले ये जो त्रिस्तरीय चुनाव था है, उसकी वोटर लिस्टों का संशोधन हो रहा था और इस संशोधन में सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में बीएलओ ने हर वही काम किए जिससे उन लोगों को लाभ मिले। एक विषय ये था, पूरा विषय था गन्ना। गन्ने का पिछला भुगतान अभी तक बजाज फैक्ट्री ने नहीं किया और 50 करोड़ से ऊपर का पेमेंट ओसवाल पे इस नए सत्र का है, उसको पेमेंट करना चाहिए, जबकि प्रावधान भी है रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी दिया था कि अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेंगे तो 15% के ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंध में कहना चाहिए था। तीसरा, धान क्रय केंद्रों पर जो धांधली हुई, जो सत्ता पक्ष के लोगों ने दलाली की वहाँ बैठ कर, उस संबंध में वार्ता की। आज भी मंडी पर लाइन लगी हुई है, हम सुबह निकल के आए थे। और एक चौथा वो था कि जो किसानों पर मुकदमे लिखे गए, ये किसान आंदोलन के तहत कोई मतलब नहीं बैठता। हर आदमी को अपने मन की बात करने की आज़ादी है, संवैधानिक निर्णय है कोर्टों का कि हर कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह सकता है, लेकिन इस सरकार में के अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं और उसी निरंकुशता का परिणाम है कि हमारे किसानों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, करीब 15-20 किसानों के खिलाफ, उनको तत्काल वापस लिया जाए। और अगर ये प्रक्रियाएं सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो आगे आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, एसडीएम साहब का क्या कहना है? एसडीएम साहब ने कहा है कि हम सब चीज़ दिखाएंगे। सर, थाने में भ्रष्टाचार वाला मामला भी आपने उठाया है, जो थाने और तहसील दोनों में ही भ्रष्टाचार का, हर बात में अगर कोई कागज भी छोटा सा कोई निकलवाना चाहता है तो उसमें बड़ी रकम देनी पड़ती है। समाधान ना होने पर क्या करेंगे सर? आंदोलन करेंगे। आंदोलन, समाजवादी पार्टी, जनता।